जहां पूरे देश में चारों ओर सीएए और एनआरसी का विरोध हो रहा है, वहीं सीएम सिटी करनाल में लोगों ने इस एक्ट को अपनाने में एकजुटता दिखाई है। इसी को लेकर आज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा रेलवे रोड स्थित रामलीला भवन में इकट्ठे होकर पैदल मार्च निकाला गया, जो रामलीला ग्राउंड से प्रारंभ होकर कमेटी चौक, करण गेट, सब्जी मंडी चौक, कुंजपुरा रोड से होता हुआ लघु सचिवालय पहुंचा। इस पैदल मार्च में करनाल की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अलावा शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने नागरिकता संशोधन बिल को देश के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने के उद्देश्य से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, परंतु देश की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से विभिन्न प्रकार के जो आतंकवादी गतिविधियां देश में बढ़ रही हैं, उन पर रोक लगेगी। भारी तादाद में संस्थाओं के लोगों ने लघु सचिवालय में पहुंचकर करनाल के SDM नरेंद्र पाल मलिक को ज्ञापन सौंपा और इस बिल का समर्थन किया। पैदल मार्च में मुस्लिम समाज से एवं अन्य धार्मिक संस्थानों के लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई। देखिए करनाल में निकाले गए पैदल मार्च की एक रिपोर्ट। बना हुआ है और जो इसकी अमेंडमेंट की है, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो हिंदू प्रताड़ित होके, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी प्रताड़ित होके वहाँ से परेशान होके हिंदुस्तान में आ चुके हैं या आ रहे हैं, उन शरणार्थियों को इसकी हमारी नागरिकता देने का कानून है। इसका हमारे भारत के लोगों के, मुसलमानों के या किसी जाति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये जो कांड अभी हुआ है पिछले हफ्ते, ये किसी गलत फहमी में, शरारत की, साजिश की बदबू आ रही है इसमें से। लोगों ने इससे सियासी फ़ायदा उठाने के लिए इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है। आज जो पैदल मार्च निकाला है, किस ये पैदल मार्च हम करनाल के लोगों ने, जागरूक मंच, जितने हमारी संस्थाएं हैं करनाल की, 150 संस्थाएं हैं लगभग, वो सारी इकट्ठी होके, जिनमें महिलाएं भी साथ हैं, वो आ रही हैं। हम इसमें उपायुक्त महोदय को, एक प्रशासन उसके द्वारा सरकार को भेजना चाहते हैं कि हम इस कानून के बिल की समर्थन करते हैं, विरोध नहीं। जो अन्य पार्टियां विरोध कर रहे हैं लोग, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? जो अन्य पार्टियां विरोध कर रही हैं, वो सियासी पार्टियां हैं, उनका अच्छे काम हो बुरा काम हो, उनको विरोध करना है, वो विरोधी पार्टियां हैं। ठीक हुआ है, समस्त भारत इसके साथ है, क्योंकि ये सर्व योग्यता के लिए, जरूरत के लिए है, जो घुसपैठ से हमें नुकसान हो रहा है। राम राज्य के समय में घुसपैठ हुआ, उससे नुकसान हुआ, लेकिन विभीषण के घुसने से कोई नुकसान नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि घुसपैठ रुके और संशोधन हो। कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, विरोध तो कर रहे हैं, उनको भ्रम हो गया है, जिनको पता नहीं है वे ऐसा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल आया है,
विकास की है, मगर मैं ये जहाँ तक के मान के चल रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर ऐसा कोई मुद्दा पूर्ण रूप से उनके साथ नहीं खड़ा हो पाया और मुस्लिम समाज पूर्ण रूप से नागरिकता बिल के साथ में है, इसको पूर्ण रूप से समर्थन करता है और देश के अंदर एक नई बात और नई पहचान तो कांग्रेस अपनी चिंता करना चाह रही है वो ना कर पाएगी ना हो पाएगी। पूरे देश में मोदी जी का राज है, मोदी जी के ही नेतृत्व में पूरा देश पूर्ण रूप से शक्तिशाली बनकर सामने आए। हाँ जी मैडम बताएं, आज करनाल के सभी सामाजिक बिल्कुल और सभी शहर के वासी जो देश हित के बारे में सोच रहे हैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने नागरिक संशोधन बिल लाकर देश के नागरिकों के हित में एक बात कही है और मैं इस बिल का बड़े तहे दिल से समर्थन करती हूँ, क्योंकि ये बिल किसी धर्म जाति या क्षेत्रवाद से या किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है। ये कानून उन देश के नागरिकों के लिए है जो कि दूसरे देशों में किसी वजह से प्रताड़ित हो रहे हैं या घुटन महसूस कर रहे हैं, उन्हें देश में वापस लाने का यह बिल है। और आज देश में जो भ्रम है लोगों को भड़काया जा रहा है, हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि शांति से तहे दिल से इसका अभिवादन करें, इसका समर्थन करें, क्योंकि भारत के माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक सुखी हो, सुरक्षित हो और अपने भविष्य में जिंदगी सुरक्षित रहे, उसी के लिए इस बिल का अमेंडमेंट आज किया गया है। हम सभी यहाँ पर इनका समर्थन करते हैं। जो पार्टियाँ मैम विरोध कर रही हैं उनके बारे में क्या कहना है? कोई विशेष दल नहीं, हम कहेंगे कुछ देश के आपराधिक तत्व या कुछ अराजकता फैलाने वाले तत्व जिसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि आप शांति बनाए रखें, क्योंकि जब आप इस बिल को पढ़ोगे देखोगे तो ये दिल किसी देश के किसी जाति या धर्म के लिए नहीं है, ये हर एक नागरिक के लिए है और कोई भी नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे। ये देश में ये नागरिक जो बाहर देशों में प्रताड़ित हो रहे हैं उनके लिए है, इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ कर अपील करती हूँ इस बिल पर शांति बनाए रखे अपने प्रस्तावना में। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।